राजा परवेज अशरफ यहाँ से वजीर आजम तो बने और नाम भी कमाया, लेकिन इस मरतबा यहाँ पर उनकी हालत पतली नज़र आती है, या हो सकता है नज़र का धोखा हो। राजा परवेज अशरफ और उनके बेटे अब मैदान में हैं। पीपल्स पार्टी अपने चांसेस के बारे में कितनी पुरुमीद है? मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक के फजल करम से MA 58 गुजर खान, PP 8 और PP 9 बात निकाल कर उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त बहुत अच्छी पोजिशन में, और मुझे पूरा यकीन है कि 25 जुलाई का दिन जो है वो इस हल्के से राजा परवेज अशरफ साहब और उनके पैनल की सतह का दिन होगा। इंशाल्लाह हमारा मुकाबला PTI के साथ है और कुछ एरियाज में हमारा मुकाबला मुस्लिम लीग नून के साथ है। जब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करते हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें नो डाउट बरादरी भी एक फैक्टर है, उसमें नो डाउट पार्टी का वोट भी काउंट करता है, उसमें पर्सनैलिटी का वोट भी काउंट करता है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है ना फिर वो आप जाते हैं कामयाबी की तरफ। पंजाब में कुछ कमियाँ या कुछ कमजोरियाँ ज़रूर हैं तो हमें पूरी तरह अंदाजा है, लेकिन गुजर खान भी पंजाब है, इस तरह और बहुत सारे हल्के हैं जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बहुत अच्छी पोजिशन में हैं पंजाब के, और 25 जुलाई को आपको सरप्राइज़ देगा पंजाब।